जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme 5 में एक अपडेट आया C.57 का और ये मेरे हाथ में Realme 5 है और C.57 अपडेट मैंने इसमें कर लिया है और इस वीडियो में हम यहाँ पे फुल रिव्यू करने वाले हैं, बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करेंगे, एंटीटू बेंचमार्क स्कोर और जो फीचर्स हैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो जो वर्ज़न है C.57 वाला है और यहाँ पे मैंने जो है अभी अपडेट कर लिया था, मैन्युअली अपडेट यहाँ पे किया है और इससे पहले C.55 का भी अपडेट मैंने किया था बट वो अपडेट सस्पेंड हो चुका था। तो अभी 57 वाला अपडेट आया है और यहाँ पे अगस्त का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है और ख़ास फीचर वही है रियल मी लैब में, स्मूथ स्क्रॉलिंग और नाइट टाइम स्टैंड बाय वाला फीचर। बाकी सब फीचर्स जो हैं उतने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रियल मी लैब के अंदर आपको जाकर दिखा देता हूँ, स्मूथ स्क्रॉलिंग और सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय वाला फीचर आ गया है। दोनों ही फीचर्स को आप हमेशा ऑन रखिएगा, स्क्रॉलिंग स्मूथ हो जाएगी और नाइट में मोबाइल अगर स्टैंड बाय में रहता है तो बैटरी ड्रेनिंग उतनी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो इसमें तो स्क्रॉलिंग का जो फीचर है यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको रियलमी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्क्रॉलिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप स्मूथ स्क्रॉलिंग वाला फीचर रियलमी लैब में ऑन रखते हो तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे OTG का शॉर्टकट ऐड कर दिया गया नोटिफिकेशन पैनल पे, जो कि यहाँ पे आपको पहले ही देखने को मिलता था। वैसे यहाँ पे अपडेट में सिर्फ यहाँ पे रियल मी लैब में स्मूथ स्क्रॉलिंग आपको देखने को मिलती है और नाइट टाइम स्टैंड बाय, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाईफाई सेक्शन में आपको अभी वाईफाई स्कैनिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ अब चलिए दोस्तों फटाफट से एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो 156,000 के आसपास स्कोर था जब हमने यहाँ पे टेस्ट किया था C.55 में, अब C.57 आ गया है। चलिए इसमें भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं स्कोर जो है इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो C.57 में जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आया वो 1,72,000 के आसपास आया है जबकि C.55 में 1,56,000 था। तो यहाँ पे जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है यहाँ पे 16,000 का जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलता है C.57 में, तो मे भी हो सकता है परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिल जाए। तो चलिए फटाफट से आप यहाँ पर बैटरी रन भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पबजी जो है इंडिया में बैन हो चुका है बट मेरे पास पबजी का जो कोरियन वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉल है और आपको अगर पता करना है तो यहाँ पे आपको वर्जन भी दिखा देता हूँ, और अगर आपको कोरियन वर्जन इंस्टॉल करना है तो इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में पबजी का ही ट्रेनिंग टेस्ट करने वाले हैं बट पबजी जो है वो कोरियन वर्जन यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको बैटरी पहले दिखा देता हूँ। तो बैटरी परसेंट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 56% है और यहाँ पे टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, तो 56 को यहाँ पे हम 55% मानेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो पबजी है मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, टाइमर भी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है ब्राइटनेस लेवल भी मैंने यहाँ पे फुल कर रखा है। और यहाँ पे अगर ग्राफिक सेटिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों स्मूथ और हाई में हम यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग जो है सेट कर देते हैं और पबजी गेमिंग स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं।
आधा घंटा पबजी गेमिंग हमने करी है, 55% पे रखा था और यहाँ पे 47% हो चुका है। मीन्स यहाँ पे जो बैटरी ड्रेनिंग हुई है 8% हुई है आधा घंटा पबजी गेमिंग करने पे। टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, 36 था पहले, 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इससे पहले अगर बात करें C.53 में, तो C.53 में यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग हुई थी कुछ 12% की, और C.55 में पबजी गेमिंग कर रहे थे तो 9% की बैटरी ड्रेनिंग हुई थी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे अपडेट आया है कि यहाँ पे जो बैटरी ड्रेनिंग आपको आधा घंटा पबजी गेमिंग करने पे 8% मिलती है, एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी इंक्रीज़ मिलता है। तो ये था दोस्तों Realme 5 का एक फुल रिव्यू वीडियो, जो कि C.57 अपडेट के बाद था। Realme 5i और 5s में भी सेम यही रिजल्ट आने वाला है। रियलमी के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।